उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा खास होती है और अधिकतर हर महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन श्रावण महीने की पूर्णिमा इन सब में विशेष है। इस दिन बहनों अपने भाइयों को राखी बांधती ही है। इसी के साथ साथ इसी श्रावणी पूर्णिमा पर जनेऊ भी बदला जाता है। आइए आपको बता दें कि आखिर इस जनेऊ बदलने के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है। आखिर श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही क्यों जनेऊ बदलने का जो एक प्रावधान है वो क्या है। मान्यता के अनुसार सूत से बने जनेऊ के धागे ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। इसे देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण या फिर सत्व, रज और तम के साथ तीन आश्रमों का भी प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में इसके बगैर विवाह का संस्कार नहीं होता है। क्यों बदला जाता है जनेऊ? धर्म ग्रंथों और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अनुसार हर व्यक्ति के कंधे पर मुख्य रूप से तीन जिम्मेदारी का ऋण होता है। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और ज्ञान के प्रति जिम्मेदारी। यज्ञोपवीत यानी जनों हमारे माता पिता, समाज और गुरु के प्रति हमारी जिम्मेदारियां की याद दिलाता है। इसलिए सूत के बने जनों को तीन बार लपेट कर धारण करते हैं, जो हमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और अपनी वाणी शुद्धि की ओर प्रेरित करता है। इसी जनों को श्रावण पूर्णिमा पर श्रावण नक्षत्र के संकल्प के साथ बदला जाता है, यानी श्रावणी उपाक्रम भी इसे कहा जाता है। मान्यता है कि विशेष पूजा कर जनेऊ बदलने से साल भर में जाने अनजाने हुए पाप का प्रायश्चित भी हो जाता है। जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है। जनेऊ बदलते समय यह प्रार्थना की जाती है कि मुझे शक्ति प्रदान की हो कि मैं जो भी कर्म करूँ वो कुशल और श्रुत हो यानी शुद्ध हो। मैं जो भी काम करूँ या कर्म करूँ जिम्मेदारी के साथ करूँ। ऐसा करने से सभी लक्ष्य पूरे होते हैं। इस दिन नए जनेऊ के साथ नया संकल्प भी लिया जाता है। पुराने दिनों में महिलाओं को भी ये धागा पहनना होता था। ये केवल एक जाति या किसी और जाति तक ही सीमित नहीं था, इसे हर व्यक्ति पहनता था। जनेऊ पहनने के फायदे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जनेऊ पहनने से बुरे सपने नहीं आते। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई के नियमों से बंधा रहता है। मान्यता है कि पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे कान में लपेटते और दिमाग के नसें एक्टिव यानी सक्रिय हो जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है। इसे पहनने से व्यक्ति के पास बुरी शक्तियाँ नहीं आती और व्यक्ति का मन बुरे काम में भी नहीं लगता। आइए अब इसी विषय को लेकर विशेष तौर पर पंडित जी से सुनते हैं कि जनेऊ आखिरकार रक्षाबंधन के पूर्णिमा के दिन ही क्यों बदला जाता है। इसी विषय को लेकर हमारे पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए बात करते हैं विशेष तौर पर जनेऊ बदलने का जो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, वो क्या रीति रिवाज है, वो क्या है। तो आइए सुनते हैं पंडित जी के कंठस्थ, जनेऊ रक्षाबंधन के दिन ही क्यों बदला जाता है। उपाकर्म द्विजों के लिए जो है वो सर्वाधिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब ये जो उपाकर्म संस्कार है इसे प्रतिवर्ष ब्राह्मणों को करना चाहिए। उपाकर्म न करने से दोष लगता है और उस दोष के निवारण के लिए प्राजापत्य व्रत और दूसरे व्रतों का विधान बताया गया है। उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना, उपाकरण का अर्थ है प्रारंभ करना और निमंत्रण देना। अब ये जो विधि है वेदों के अध्ययन के लिए तथा विद्यार्थियों को गुरु के पास एकत्रित होने का एक विधि है। उपाकर्म में उपवित परिवर्तन, ऋषि पूजन और वेदों तथा और ज्ञान की अभ्यर्थना की गई है। उपाकर्म वर्ष में एक बार प्रतिवर्ष करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न वेद शाखाओं सूत्रों को मानने के लिए भिन्न भिन्न परंपराएं प्रचलित हैं। ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी कर्म किए जाने का विधान है। यह पवित्र विधान नदी किनारे या किसी तीर्थ पर करना चाहिए। श्रावणी कर्म उपाकर्म के तीन पक्ष बताए गए हैं। पहला जो पक्ष है वो प्रायश्चित संकल्प, दूसरा पक्ष है संस्कार और तीसरा पक्ष है स्वाध्याय। सर्वप्रथम जो प्रायश्चित संकल्प है उसमें हेमाद्री आदि स्नान संकल्प आते हैं। दूसरा जो पक्ष है संस्कार,
उसमें ऋषि पूजन, सूर्योपस्थान आदि विधान आते हैं। और तीसरा जो पक्ष है स्वाध्याय का, उसमें सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदसस्पति, अनुमति, छंद, ऋषि को वेदों को घी की आहुति प्रदान करनी होती है, जिसमें चार वेद के मंत्र और वेद वेदांग का अध्ययन आरंभ होता है। इस प्रकार से ये पूरी जो विधि है ये ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपाकरण की जाती है। नमो नमः।